हेलो क्लास, दिस इज स्वाति सरोगी। होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ आवर बुक फ्लेमिंगो। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। सो इन दिस चैप्टर विलियम डगलस टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड द फियर ऑफ वाटर विच ही हैड फेस्ड इन हिज चाइल्डहुड। ओके, मीन्स विलियम डगलस जो है उन्हें बचपन में पानी से बहुत डर लगता था, तो इस चैप्टर में उन्होंने उसी पानी के डर के बारे में बताया है। एंड उस पानी के डर से बाहर निकलने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, उन सब के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग दैट दिस चैप्टर देयर वॉज अ बुक ऑफ विलियम डगलस नेम्ड एज ऑफ मैन एंड माउंटेन्स एंड दिस चैप्टर दिस एसे डीप वाटर हैड बीन टेकन फ्रॉम द सेम बुक। मीन्स विलियम डगलस की एक बुक थी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स एंड ये जो चैप्टर है डीप वाटर ये उसी बुक का एक पार्ट है। सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द स्टोरी। स्टोरी बिगिन होती है विलियम डगलस से, जहाँ पे वो स्विमिंग सीखने का सोचते हैं। तो स्विमिंग सीखने के लिए वो एक पास ही के YMCA पुल होता है, वहाँ पे जाते हैं। तो उनके घर के पास एक यकीमा नाम की रिवर भी होती है, बट वो सोचते हैं यकीमा रिवर से ज़्यादा सेफ उनके लिए YMCA पुल होगा। YMCA पुल एक बहुत बड़ा सा पुल होता है, जिसमें एक तरफ तो सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा पानी होता है और दूसरी तरफ उसमें लगभग 9 फीट गहरा पानी होता है। तो वो स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पुल जाते हैं। वो बताते हैं कि उनको पानी का फियर कब से आया, बचपन में कैसे आया। तो वो कहते हैं कि एक बार वो अपने फादर के साथ यकीमा रिवर के आगे से जा रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी सी वेव मीन्स समुद्र की लहर उनके ऊपर से गुजर जाती है और वो उस टाइम क्या था, पानी के एकदम नीचे आ गए थे और तभी से उनको पानी का फियर आ जाता है, तभी से मीन्स उन्हें पानी से डर लगने लगता है। तो वो बताते हैं कि एक दिन जब वो YMCA पुल पे जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए, वो उनका फर्स्ट डे था, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो उस पुल के किनारे खड़े रहते हैं। उस टाइम वो एकदम अकेले रहते हैं वहाँ पे। तब तक अचानक से एक बड़ा सा लड़का वहाँ आता है और वो लड़का जब वो आता है तो वो लड़का उसे देख के उन्हें देख के कहता है हे स्किनी। ओके, और हे स्किनी कह के वो क्या करता है, अचानक से राइटर को पानी में टॉस कर देता है। तो जब वो बड़ा सा लड़का राइटर को पानी में टॉस कर देता है, तो हमें तो ये पता ही था कि राइटर को तैरना नहीं आता था। तो राइटर पानी में डूबता जा रहा था, वो पानी में एकदम गहराई में जाता जा रहा था। और जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, उनके मन में एक ख्याल आ रहा था डर के मारे कि वो सोचते हैं कि जब मैं पानी में एकदम नीचे गहराई तल पे चला जाऊँगा तो मैं वहाँ से एक छलांग लगाऊँगा और ऊपर आके मैं तैर के 9 फीट वाली सतह से 2 से 3 फीट वाली सतह पे पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राइटर जैसा सोचता है उसके जस्ट अपोजिट होता है। जब राइटर को उस टाइम वो 9 फीट 90 फीट की तरह लगने लगा था और वो एकदम अनकंफर्टेबल फील करने लगे थे पानी में। तो वो क्या करते, जब वो नीचे सतह पे पहुंच जाते हैं तो वो छलांग तो लगाते हैं, बट वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। वहाँ पे क्या होता है, वो पानी में एकदम अचानक से ऊपर नहीं पहुँच जाते हैं, वो धीरे धीरे पानी से ऊपर जा रहे थे। बट उस टाइम क्या हो गया था, उनकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी, उनको उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी, वो एकदम उनसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। तो राइटर उस टाइम बोलने की भी कोशिश करते हैं, आवाज़ लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता है। सो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अनईजी फील करने लगते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी रहता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सांस भी फूलने लगती है और उनके हाथ पांव भी अब एकदम ठंडे पड़ने लगे थे। वो किसी को आवाज़ देने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनके मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तो अब डर की वजह से और पानी में डूबे रहने की वजह से विलियम पानी के अंदर जाते जा रहे थे, मीन्स वो पानी में अब डूबने लगे थे। और धीरे धीरे क्या होता है कि विलियम पानी में एकदम बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो उस टाइम बेहोश होने की वजह से उन्हें होश आता है, तो वो पुल के किनारे एक साइड में उल्टे पेट के बल पड़े हुए थे। और जब वो ऊपर देखते तो उनके पास वही लड़का बैठा हुआ था जिसने उन्हें पानी में टॉस किया था। तो वो लड़का उससे कहता है विलियम से कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था और तुम तो डूबने ही लग गए। बट एक्चुअली वो विलियम ही था जिसे पता था कि कैसे वो मौत के मुंह से बाहर आया था। तो इस इंसिडेंट के बाद विलियम को पानी से और भी ज़्यादा डर लगने लगता है और अब वो स्विमिंग पूल के आसपास भी नहीं जाता है। और अगर कभी गलती से वो स्विमिंग पूल के आसपास गुजर भी जाता था तो डर के मारे उसके हाथ पाँव एकदम सुन्न पड़ जाते थे, फूल जाते थे। ओके,
सो कुछ दिनों बाद फिर से विलियम के मन में स्विमिंग सीखने की इच्छा जागृत होती है। तो उस टाइम विलियम क्या करता है, अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, विलियम को स्विमिंग पूल तक लेके जाता है और वीक में लगभग 5 डेज उसे स्विमिंग सिखाता है, स्विमिंग की प्रैक्टिस कराता है। तो स्विमिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए वो क्या करता है, विलियम के चारों ओर एक बेल्ट बांध देता है और उस बेल्ट में एक रस्सी बांध देता है। वो रस्सी पुल से होते हुए पुल के बाहर तक जाती थी और विलियम उसी रस्सी में बंधे बंधे पुल के चारों ओर घूम लेता था। तो इस तरीके से विलियम का रस्सी से बंधे हुए पुल के अंदर तैरने का डर लगभग समाप्त हो जाता है। ओके, देन विलियम का जब पानी के अंदर का डर खत्म हो जाता है तो वो जो इंस्ट्रक्टर होता है अब उसे वो पानी के अंदर सांस लेने की कला सिखाता है। तो क्योंकि लास्ट टाइम जब वो पानी में डूबा था, जब वो 9 फीट वाले पानी में गया था, उस टाइम उसकी सांस न लेने की वजह से ही वो बेहोश हो गया था और जिसकी वजह से उसका फियर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस वजह से वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अब उसे पानी में सांस लेने की कला को सिखाता है और वो जो टेक्निक वो यूज़ करता है पानी में सांस लेने की कला सिखाने के लिए, उसकी उसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धीरे धीरे फाइनली वो उस पानी में सांस लेने की कला को सीख जाता है और पानी में सांस लेने में इनेबल हो जाता है वो। ओके, देन जो इंस्ट्रक्टर होता है वो विलियम को पानी में टांगे चलाना सिखाता है। तो टांगे चलाना सिखाने के लिए, मीन्स स्विमिंग में कैसे पैरों को चलाया जाता है वो सिखाने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और धीरे धीरे फाइनली विलियम स्विमिंग में पैरों को कैसे चलाया जाता है वो भी सीख जाता है। तो इस तरीके से विलियम का पानी स्विमिंग के लिए जो डर रहता है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जब वो स्विमिंग पूल के किनारे या फिर गहरे पानी के पास आता था तो उसका वो जो बचपन वाला फियर होता था वो फिर से रिवाइव हो जाता था और वो एकदम घबरा जाता है। तो अपने इस पानी के फियर को वो दूर करने के लिए वो क्या करता है, विलियम वेंटवर्थ नाम की एक लेक रहती है, एक झील रहती है, वहाँ जाता है और वहाँ जाके वो ट्रिक्स आयरलैंड से छलांग लगा लेता है। तो जब वो छलांग लगाने के बाद लगभग दो मील की दूरी तय करने के बाद वो स्टैम्प एक्ट आयरलैंड पर पहुँच जाता है और इस तरीके से उसका पानी का फियर एकदम खत्म हो जाता है। और इस तरीके से पानी का डर खत्म करने का ये जो एक्सपीरियंस रहता है वो विलियम के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। और इस यूनिक एक्सपीरियंस से विलियम बहुत डीप मीनिंग वाली दो बातों को सीखता है। एक तो सीखता है वो टेरर ऑफ डेथ और दूसरा टेरर ऑफ फियर। सो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से बहुत डीप मीनिंग मिलता है, पता चलता है और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इट सेल्फ, मीन्स डर ही वो चीज़ है जिससे हम डरते हैं, मीन्स डर के नाम से हम डरते हैं। ओके, तो और ये जो डर है वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसे कॉन्क्वायर किया जा सकता है, जिसे जीता जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा था कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी बट इट कम्स फ्रॉम इनडोमिटेबल विल, मीन्स जहाँ चाह वहाँ रहा, मीन्स अगर हम सोच लें कि हाँ हमें ये पाना है तो हम उस चीज़ को पा लेंगे। अगर हम किसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं, इच्छा अगर हमारी हो जाती है कि हाँ, अगर हमारा कोई एम होता है, ड्रीम होता है कि हाँ हमें ये चीज़ पाना है तो पाना है, तो हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ को पाने के लिए जी जान से पूरी कोशिश कर देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तो जो भी चीज़ डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर हम सोच लेंगे कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम सोच लें कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो वी कैन डू इट। ओके, सो जो भी चीज़ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइकोलॉजिकली। और विलियम को यहाँ किससे डर था, वो डरा हुआ कैसे था, साइकोलॉजिकली डरा हुआ था वो, फिजिकली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी स्विमिंग से, बट वो साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा डर गया था पानी से और फिर भी वो क्या करता है, अपने डर को दूर करता है और जीत हासिल करता है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड ये जो लाइन थी स्टूडेंट्स, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इट्सेल्फ, तो इस लाइन को हम अपने एग्जाम में भी कोट कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मीन्स इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इनडोमिटेबल विल, मीन्स जो स्ट्रेंथ है वो हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे निर्भर नहीं करती, हमारी शारीरिक योग्यता पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जो भी किस पे डिपेंड करती है, हमारी विल पे, हमारे विल पावर पे, हमारी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करती है। सो दैट्स ऑल क्लास, थैंक यू एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, वियर मास्क, यूज सैनिटाइजर एंड फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।